हेलो एवरीवन, ए वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अनअकैडमी। ये है मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से SSC और RPSC के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। तो क्रैक RPSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को पता है, प्ले स्टोर आपने नाम सुना होगा। जाइए प्ले स्टोर में, टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसके बाद हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। उन फायदों में कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब तो आपने क्लासेस ले रखी होंगी, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट अगर आता है, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप क्लास लेते हो, वो वाली फील आती है आपको लाइव क्लासेस में कि आपके सामने आपका एजुकेटर पढ़ा रहा है और आप उससे बात कर रहे हो एंड देन वो आपकी बातों का जवाब दे रहा है, ठीक है? तो कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो वो वहां पर आप पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, इसके अंदर आपको आपके सिलेबस का रेंडम कोई पार्ट हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर पूरा 360 एनालिसिस किया जाता है आपके सिलेबस का और पूरी प्लानिंग के साथ, कंप्लीट प्लानिंग के साथ आपकी जो भी सिलेबस का जो भी रहेगा वो हम कवर करेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो। अगर कोई वीडियो आपका स्किप हो गया है और स्किप होने के बाद आप उसको बाद में डाउनलोड कर पाओगे और देख पाओगे। ऐसा नहीं कि आपकी लाइव क्लास छूट गई तो आप उस वीडियो को वापस नहीं देख पाओगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको देखने को मिलते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में आपको यहाँ पर माइनर और मेजर टेस्ट देखते हैं, क्विजेज आपको मिलेंगी जिनके थ्रू आप एनालिसिस कर पाओगे कि इस टॉपिक में मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, मुझे और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है या मेरा ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूरा स्ट्रांग हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये नॉर्मल सी बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं RPSC सब्सक्रिप्शन की। तो RPSC सब्सक्रिप्शन अपना अनअकैडमी ने बहुत ही कम रखा है फीस स्ट्रक्चर। 1 साल की अगर हम बात करें तो मात्र देखो 7,000 रुपए। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में अगर आप देखेंगे तो 7,000 के आगे एक जीरो और लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? 70 से 80 हजार रुपए, ऑलमोस्ट 60 से 80 हजार रुपए की जो फीस है मैंने देखी है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है। ऑलमोस्ट जयपुर की सभी कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ, वहां पर 60 से 80 हजार रुपए फीस मैंने देखी है। और अगर 2 साल की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स में ऑलमोस्ट 1 लाख या 1.5 लाख रुपए फीस होती है, जो यहाँ पर आपको सिर्फ 8,400 रुपए। और फैकल्टीज भी ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज ब्रांडेड फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। बात करें अगर डिस्काउंट की तो मेरे नाम का एक छोटा सा कोड आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, दिलीप 10। दिलीप 10 आप जैसे ही अप्लाई करोगे, सॉरी, तो दिलीप 10 आप जैसे अप्लाई करोगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आफ्टर 10% 7,000 वाला कोर्स 6,300 रुपए और 8,400 वाला कोर्स 7,560 रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बातें थी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए भाई, ठीक है? अच्छे अच्छे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं RAS को लेकर। RAS प्री और मेंस आप सभी को पता है कि वैकेंसीज आने वाली है जनवरी फरवरी से। तो जो अच्छे, जितनी भी अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं ऑलमोस्ट अपने कोर्स लॉन्च कर चुकी हैं। और अगर आप सोच रहे हैं, RAS प्लान कर रहे हैं कि मुझे RAS देना है, अगर आप बिगिनर से, तो आपके लिए कोर्स बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था और साइंस NCERT क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। और उस वीडियो के अंदर यहां पर पिछले 2 वीडियो में आपको मैंने पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी और आज ये तीसरी क्लास है चैप्टर 8 की, जिसमें मैं मोशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मोशन में ये भी अपने आप में एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसमें भी आप अगर कमेंट कर रहे हैं या मुझे हाई कर रहे हैं और मैं आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो उसके लिए माफी, क्योंकि दिस इज एन रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसके अंदर आपको मैं हाई वगैरह नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं पहले आपको कह देता हूँ कि स्वागत है आप सभी का। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरा क्लास का टाइम होता है 2 बजे, तो सभी को गुड आफ्टरनून। और अब दिवाली के आसपास देख रहे होंगे तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, ठीक है? आपकी दिवाली जो है मंगलमय हो, बहुत अच्छी हो, घर में खुशहाली आए और लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में पधारे, ओके? और बाकी लक्ष्मी जी आपके घर में पधार रही होंगी और बहुत अच्छे तरीके से जब पधारेंगे, जब आप प्रीमेंस क्लियर कर लेंगे और इंटरव्यू में बैठ जाएंगे एंड देन देखना फिर आप बोछार लक्ष्मी की। अभी तो छींटे लग रहे होंगे, उसके बाद में ऐसे बाढ़ आएगी लक्ष्मी जी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं।
अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 8, और 8 का नाम है अपना मोशन, जिसको हम गति के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ, चलो तो हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, मतलब विस्थापन की बात की थी, याद है कुछ? अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आज का वीडियो समझ आने का मुद्दा आपका बिल्कुल जीरो है, समझ में आया? इस लेक्चर में आपसे हाथ जोड़कर मेरे सभी भाइयों और बहनों को विनती है कि प्लीज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो अभी देखना बंद कर दो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे दो लेक्चर डिस्कस किए हैं, इससे पहले दो लेक्चर मेरे हैं, ज्यादा नहीं है, 40-40 मिनट के दो लेक्चर हैं। तो प्लीज जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट में मेरे दो लेक्चर ये पहले देखिए, एंड ये लेक्चर देखने के बाद आपको पता पड़ेगा कि आज का लेक्चर क्या है, क्लियर है? क्योंकि ये जो चैप्टर्स ऐसे हैं कि पिछली जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें अप्लाई होंगी, इसीलिए मैंने वो दो इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए थे। तो बेसिक्स जब क्लियर हो जाएंगे समझ में आएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें आती होंगी, तो आपके लिए क्लास है, आप समझ के देख लीजिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली पहले दो क्लास मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, एंड देन उसके बाद फिर इस क्लास पे आना, ठीक है? तो वैसे भी लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो चैप्टर 8 मोशन, तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात की थी, मतलब दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैंने कह दिया था दूरी और विस्थापन के बारे में जो कुछ भी आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी नहीं की थी, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल जो थे, कुछ न्यूमेरिकल्स, वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। एक आपके वृत्त वाला सर्कल वाला, ठीक है, एक मैंने हाफ सर्कल वाला डिस्कस किया था, एक 120 डिग्री एंगल वाला डिस्कस किया था, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा सा आगे चलता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं की थी। आई होप आपने वो दो वीडियो देखे होंगे, और उसके बाद अब जब ये वीडियो देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आने लगा है। सर, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंज विद द टाइम, ठीक है? तो मैंने आपसे भी कहा था कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर, मान लीजिए कि इसकी पोजीशन पहले ए थी एंड यहाँ पर पोजीशन इसके बी है, यहाँ पर टी बराबर 0 पर ये ए पोजीशन पर था, ठीक है, टी बराबर 0 पर जब समय शुरू हुआ था तब ये यहां पर था, एंड देन आई सा, मैंने देखा कि टी बराबर फाइव सेकेंड के ऊपर ये कहां पर पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो क्या टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? क्या ये ए से बी पर आ गया है? बिल्कुल आ गया है। तो आप क्या कहोगे कि ये मोशन है, ये क्या है सर? मोशन ये गति है, समझ में आया? तो आप कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद द टाइम। अच्छा, ये बता चुका हूं मैं। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट की बात हम करें, रेफरेंस पॉइंट की बात मैंने कहा था आपसे, ऑब्जर्वर की बात की थी मैंने आपसे, ठीक है, ऑब्जर्वर की लास्ट क्लास में कार वाला एग्जाम्पल मैंने आपसे किया था और आपको बताया था, तो मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्वर की बात कर रहा था ना बेटा। तो रेफरेंस पॉइंट भी डिपेंड करता है कि वो चीज मोशन में है या नहीं है। एक बार और समझा देता हूँ, पहले आपको पढ़ा देता हूँ इसमें। ए रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, हमने कहा सर किसी वस्तु के स्थान का वर्णन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? मतलब सर कोई भी वस्तु है उसके स्थान का वर्णन करने के लिए, जैसे मैं हूं तो मेरे रेफरेंस में आप अभी मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में बैठे हुए हो, ठीक है, आप चल रहे हो तो मेरे रेस्पेक्ट में आप चल रहे हो, उस तरीके से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो आप चल रहे हो, ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में। हो सकता है कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हो, आपकी गाड़ी के पीछे आपकी मम्मी बैठी है, आपकी सिस्टर बैठी है, आपके पापा बैठे हैं, आपका भाई बैठा है, क्या उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो क्या? मेरे रेस्पेक्ट में, अगर रेफरेंस पॉइंट अगर मैं मान लूं, ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो, लेकिन आपकी गाड़ी के जस्ट पीछे कोई बैठा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो क्या? क्योंकि वो आपकी गति के साथ गति कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए रेस्ट में हो, आप उसके लिए। तो रेफरेंस पॉइंट अगर बदल जाएगा तो
तो मोशन भी बदल जाती है, कोई रेस्ट में है कोई मोशन में है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए। एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है, किसी के लिए मोशन में हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं खड़ा हूं और मेरे सामने से ट्रेन जा रही है, समझ में आया? तो मेरे लिए ट्रेन क्या है, मेरे लिए ट्रेन क्या है, मोशन में है, समझ में आया। और उस ट्रेन में बैठा हुआ इंसान अगर उस ट्रेन को देखेगा तो उसके लिए वो ट्रेन कैसी है, वो स्थिर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मेरी बात? दो ट्रेन समान समान वेग से दोनों बिल्कुल बराबर जा रही। कभी कभी ऐसा हुआ आप ट्रेन क्रॉस करते हैं ऐसे, ट्रेन क्रॉस करते हैं ऐसे, देखते ना आप, ऐसा सोचो आपके बराबर में ट्रेन चल रही है, बराबर में आप दोनों दोस्त आप साइकिल चला रहे हो, बराबर स्पीड से चला रहे हो, तो आप एक दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में हो, समझ में आ गया इस तरीके से। लेकिन अगर मैं खड़ा होकर आप दोनों को जाते हुए देखूं तो मेरे रेफरेंस में आप दोनों क्या हो, आप चल रहे हो, है ना। तो अलग अलग एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं सर। तो एक एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है, किसी के लिए मोशन में हो सकती है, ये पॉइंट एनसीईआरटी यहाँ पर कहना चाह रही है। सोचो इस पॉइंट में इतनी सारी चीजें छुपी हुई थी, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ते तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो यही बात, यही खास बात है आपके एनसीईआरटी की कि यहाँ पर कंप्रेस नॉलेज लिखा हुआ है। नॉलेज बहुत सारा, और सारा नॉलेज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस बात ये है पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके से आपके सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अभी मैं एक काम और स्टार्ट करूंगा, अभी एक काम और स्टार्ट करेंगे कि जितने भी आपके आरएस के पेपर हैं प्री मेंस के, ठीक है, आपको भरोसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी आकर, और पता है कुछ टीचर्स, मैंने उनकी गलतियां देखी हैं, कुछ टीचर्स ज्ञान भर देते हैं बच्चों के अंदर कि एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। मैं उन टीचर्स के पक्ष में या उन स्टूडेंट के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, 1% नहीं हूं, ठीक है। जो टाइम, जो पैसा, जो एनर्जी आप बाकी की बुक्स को खरीदने में, उनको पढ़ने में, उनको समझने में लगा देते हो ना, उससे कहीं कम आपके पास एनसीईआरटीज, आपकी खुद की एनसीईआरटीज होंगी, आपके पास नेट पर अवेलेबल होती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप एनसीईआरटीज हर सब्जेक्ट की, मैं तो ये मानता हूं आप पीएचडी करे हुए होंगे, मैं तो ये मानता हूं कि आप पीएचडी करे हुए होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, आपने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखी होगी, आपने एमएससी में कर रखी हो, आपने एमएससी कर रखी है, आपने बीएससी है, तो कोई भी एनसीईआरटी है 6 से स्टार्ट करके और 12 तक जाइए, मैं तो ये कहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर 6 7 8 में तो कुछ है ही नहीं, हम तो 9th 10th 11th 12th पढ़ेंगे सिर्फ। मैं कहूंगा नहीं, आपसे मेरी क्लास में कुछ एमएससी के बच्चे भी आते हैं, और उन एमएससी के बच्चों से आप खुद पूछ लेना कि जब मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी उनको साइंस के पढ़ा रहा था तो क्या उन्होंने वो चीजें कभी अपने एमएससी तक के काल में कभी भी पढ़ी थी, और पढ़ी थी तो भी क्या उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया था या नहीं दिया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल बुक, बेस्ट पढ़ना और पढ़ाना आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे पढ़ाना आता है, बस मैं कोशिश करता हूं कि आपके एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिस्क्राइब करके, ठीक है, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके आपके सामने लेकर आता हूं, क्लियर है। तो ये कोशिश कहीं कहीं साकार भी होती है और कहीं कहीं नाकाम भी रहता हूं मैं, बहुत सारी चीजें मुझे खुद को भी समझ में नहीं आती होंगी जो शायद मुझे ना पता हो, आपको पता चल जाए तो आप मुझे बता दिया करो कि सर ये चीजें आपने छोड़ दी हैं। अच्छा, ओरिजिन की बात करते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं। ओरिजिन तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन, क्लियर है। उत्पत्ति, उत्पत्ति बिंदु, ओरिजिन कहां से कहलाएगा? तो रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर आप बताना चाहते हैं, लोकेशन, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। समझ में आया? तो हमने कहा उत्पत्ति, जिस संदर्भ बिंदु का उपयोग किसी वस्तु के स्थान का वर्णन करने के लिए किया जाता है उसे उत्पत्ति का ही कही जाती है, या उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, क्लियर है बेटा। तो आपने कहा ओरिजिन कैसे बताओगे? तो ओरिजिन मान लीजिए कि ये जो बिंदु है यहां से मूवमेंट स्टार्ट करता है, यहां से मोशन स्टार्ट करता है, तो यहां इसने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। इसकी लोकेशन एट द टाइम पर, जहां इसकी लोकेशन मैं बता रहा हूँ, इसका ओरिजिन है, वो क्या है? इसका ओरिजिन है, क्लियर है। अच्छा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा अभी आपको, रेफरेंस पॉइंट को, ओरिजिन को, ये अप्लाई करोगे अभी आके आप। अभी डिस्टेंस, तो लास्ट क्लास पूरी 40 मिनट मैंने आपके पूरे इन्वेस्ट किए थे किसके अंदर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए,
मैंने मेरे तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूँ आपके, ठीक है। 9th क्लास में जितना आता है उतना मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि 11th क्लास में तो बहुत डिटेल्ड स्टडी है इसकी, ठीक है, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से पिछले लेक्चर में आपको मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता चुका हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने आपको मेरे तरीके से बताया था और अब मैं आपको एनसीईआरटी के तरीके से बता देता हूँ, ताकि अब आपको एनसीईआरटी के का भी मुद्दा आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस देखो बेटा, मैंने कहा सर डिस्टेंस दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। अच्छा, मैंने कहा मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हुआ घूमता हुआ यहां पर आके रुका, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है, ये मतलब मेरा प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, क्लियर बेटा, ए और बी। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस कैसे कहोगे? आपने कहा सर ये पूरा रास्ता जो आपने ए से बी तक चलने में तय किया है, इस पूरे रास्ते की जो लंबाई होगी वो लंबाई, द लेंथ ऑफ दिस पाथ, दिस कंप्लीट पाथ, टोटल पाथ, ठीक है, वो लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को समापन बिंदु के बीच किसी वस्तु द्वारा कवर की गई कुल लंबाई पथ की लंबाई के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। तो दूरी जो है, दूरी को किस तरीके से वर्णित करेंगे, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, आप कह सकते हो जहां से शुरू किया था और जहां पर खत्म किया था, तो खत्म करने वाले बिंदु और शुरू करने वाले बिंदु के बीच जितना दूर आप चले हो, जितना जितना पाथ आपने तय किया है, उसकी लेंथ ही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाती है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, डिस्टेंस इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अच्छा सर, डिस्टेंस एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, एक संख्यात्मक मान होती है। अच्छा, तो अब कैसे सर हम यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर चले हैं, तो क्या ये 2 संख्यात्मक नहीं है, क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है? तो आप कहोगे कि डिस्टेंस एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। थर्ड पॉइंट, वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग व्हाइल मेंशनिंग अबाउट दिस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि हम कभी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेंशन करने के लिए डायरेक्शन नहीं बताते हैं, ठीक है। हम कभी भी दूरी, जैसे मैं मेरे मार्केट तक जाकर वापस आ गया, ठीक है, तो मैं बस आपको बोलूँ कि आप कितना दूर चल कर आए हो, कितनी दूरी तय। आपने बोला कि सर, आपने पूछा कितनी दूरी चल के आए, तो मैंने कहा कि सर 3 किलोमीटर चल के आया हूं मैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं ईस्ट साइड में 3 किलोमीटर जाकर आया, फिर वेस्ट साइड में 4 किलोमीटर जाकर आया, इस तरीके से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपके पास में 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, एक तो अदिश और एक सदिश, एक तो वेक्टर और एक स्केलर। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हो गया, क्लियर है, यहां पर दिशा का उल्लेख नहीं करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है बच्चा एनसीईआरटी में? मैंने इनसे कहीं ज्यादा आपको समझाया, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी में जितना कुछ लिखा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, उनसे कहीं ज्यादा मैंने आपसे डिस्कस किया है यहां पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि एक पॉइंट ये है एंड द सेकंड पॉइंट इज, या लास्ट पॉइंट हम कहें, एंड पॉइंट हम कहें, तो ये है हमारा स्टार्ट है और ये है हमारा एंड पॉइंट बी, ठीक है। एंड में यहां से चलता हुआ, इस तरीके से चलता हुआ, घूमता घूमता और एंड पॉइंट पर यहां पर पहुंचता हूं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, मैंने बहुत लंबा पाथ क्या किया, फॉलो किया यहां तक बी तक पहुंचने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये तो आपकी डिस्टेंस है, ये तो आपकी डिस्टेंस है। मान लीजिए कि 5 किलोमीटर लंबा पाथ, ये रोड क्या है, 5 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? हम तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। इनिशियल, ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, समझ पा रहे हो मेरी बात, सबसे कम दूरी तो स्ट्रेट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आपका जो कमरा है ना, भी कमरा आपका जो रूम है, उस रूम में देखिए ये वाला कोना, ये कॉर्नर है,
ये कॉर्नर है, और ये कॉर्नर से आप जस्ट जस्ट सामने वाला कॉर्नर देखो आप, ठीक है, सामने वाला कॉर्नर। आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बना देता हूं यहां पर, ठीक है, ये आपका रूम है और इस रूम के अंदर ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर एक चींटी बैठी हुई है, यहां पर इस कॉर्नर पे चींटी, ये चींटी यहां से होती हुई, यहां से होती हुई इस तरीके से, और यहां इस कोने से होती हुई इस कोने तक पहुंचती है, यहां पर पहुंच गई है, ठीक है, ये ए था और ये बी था, तो इस दीवार से होती हुई ये यहां से उस मेरे सामने वाले उस कोने पर जाती है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए कि सर इसकी भुजा, इसकी आर्म ये ए है और ये ए है, तो आप क्या कहोगे सर डिस्टेंस कितनी हो गई है, डिस्टेंस कितनी हो गई है, तो आप ए प्लस ए कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, आप कहोगे सर ये विकर्ण के तौर पर, ये विकर्ण के तौर पर ये आपका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। समझ में आया कुछ? तो हमने कहा कि यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ कितना, सीधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। अच्छा, यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे कम संभव दूरी, पॉसिबल पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। बोलो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? अच्छा, बोलेंगे कैसे आप तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, कोई बात, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं फिर भी आपको फील आ रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट, चैट बॉक्स में तो वैसे भी नहीं होगा, कमेंट करके आप मुझे बता देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो जब भी मैं क्लासेस में आऊंगा या मैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा तब आप मुझसे क्लास में आकर पूछ सकते हैं, क्लियर, कि सर ये चीज मेरी क्लियर नहीं हुई थी, लिख लो भैया, लाइव क्लासेस की यही तो खास बात है, ये खास बात है लाइव क्लासेस की, आपको मौका है, आपके पास मौका है डाउट पूछने का, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का, मेरे हाल चाल पूछने का, आपके हाल चाल बताने का, ये मौका है, इसीलिए तो लाइव टेस्ट आपको कहा था कि सुविधा ही है अपने आप में, फायदा उठाओ इस सुविधा का, ठीक है। तो सर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, तो एक बात मैंने आपसे तब भी कही थी कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपने आप में एक वेक्टर यूनिट होता है, वेक्टर का मतलब होता है सर एक सदिश राशि होता है, क्या होता है बेटा, सदिश राशि होता है, तो याद रखेंगे इस मामले में कि मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर अपने आप में क्या है, एक सदिश राशि है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सर, सदिश राशि का मतलब कि सर जस्ट जब भी डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ, दोनों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, दिशा और परिमाण। तो जब भी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप किसकी बात करेंगे, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एन वेक्टर, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में वेक्टर या सदिश राशि होती है। तो जाहिर सी बात है इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊंगा, तो मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर है, ईस्ट है, तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि आप जैसे ये 5 किलोमीटर आए ना, तो यहां से मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर ईस्ट में विस्थापित हो गया, विस्थापन का मतलब क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हटा, कितना विस्थापित हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, अच्छा बस इतनी सी बात है। तो डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है कि सर ए से कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना दूर चला गया, आई मीन कितना डिस्प्लेस, कितना विस्थापित हुआ, तो सर हम दूरी कितनी भी चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरी प्राइमरी, मेरे इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ, समझ में आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका होता है। तो डिस्प्लेस किस तरफ हुआ, अच्छा भैया आपको बोला गया कि इस चीज को यहां से हटा दो, खिसका दो, आपको बोले कि सर किस तरफ खिसका दूं, तो आपको बोले कि आगे की तरफ, तो आपको ऐसा डायरेक्शन बताई, तो आपको बोला गया कि आप कितना डिस्प्लेस हुए, आप बोले सर मैं 2 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ, अच्छा आप 2 किलोमीटर डिस्प्लेस हुए तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए, तो आपको कहा गया कि सर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई, बस इतनी सी बात। अच्छा क्लियर है यहां तक? अच्छा तो आप यहां पर बता सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट यहां से इससे इतना, ठीक है, इससे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है, और डायरेक्शन भी आप बता देंगे कि भाई इस तरफ इतना डायरेक्शन, अच्छा
ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए एक ऑफिशियल फॉर्मूला, अच्छा एनसीईआरटी बोलती है कि फॉर्मूला आप डेल्टा एक्स से निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, एनसीईआरटी कहती है वैसे डिस्प्लेसमेंट को आप डी से, ठीक है। तो डेल्टा एक्स से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स से हम यहां पर इसको डिनोट कर सकते हैं। कैसे, तो विस्थापन को यहां पर ये डेल्टा है बेटा, टाइप नहीं हुआ था, डेल्टा एक्स से हम निरूपित कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि डेल्टा एक्स इक्वल, मतलब तो विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ठीक है, सॉरी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, तो मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, यहां पर विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु और माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंग्रेजी के अंदर लिख दें तो इसको आप डेल्टा एक्स लिख सकते हो ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल किसके है कि सर फाइनल फाइनल पॉइंट, ठीक है, और माइनस आप कह सकते हो इनिशियल इनिशियल पॉइंट। बोलो समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट को आपने लिख दिया डेल्टा एक्स, ठीक है, फाइनल पॉइंट को लिख दिया आपने एक्स एफ, एफ फॉर फाइनल, और माइनस ये आपने एक्स आई, एक्स इनिशियल, या आप लिख सकते हो एक्स नोट, नोट का मतलब भी जीरो, मतलब जीरो मतलब शुरुआत करी थी अपन ने, जीरो से तो शुरुआत करी थी, या एक्स आई भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो फॉर्मूला निकल कर आता है डेल्टा एक्स इक्वल एक्स एफ माइनस एक्स नोट, ये आपका फाइनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। आप बोलो कि सर दिक्कत तो है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी चिंता फिकर कुछ ना कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा हर एक फॉर्मूले पर, गारंटी के साथ वादा है, वादा रहा आपसे बिल्कुल, कि हर एक सवाल, हर एक ये जो फॉर्मूला है ना, हर एक फॉर्मूले पर मिनिमम 10 से 12 सवाल आपको करवा के जाऊंगा, हर तरीके के सवाल करवा के जाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सवाल आपसे करवा के जाऊंगा, आपसे खुलेआम पूरा वादा कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, मतलब जी खा जाना अगर आपको सवाल 10 से 12 एक फॉर्मूले पर, जैसे एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला, न जाने इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले आएंगे, तो हर फॉर्मूले पर हर तरीके के 10 से 12 सवाल आपको करवा के जाऊंगा मिनिमम। एक सवाल में अगर कम हो जाए ना 10 से, तो आप थू थू कर देना ऑनलाइन मेरे ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी क्लास में आके मेरी बेइज्जती कर जाना, जो कमिट किया है वो जरूर किया जाएगा, अच्छा ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, बस फॉर्मूला अभी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखो, जब भी मैं आपसे बोलूं विस्थापन आपको याद होना चाहिए अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु ठीक है उसके ऊपर पोजिशन कितनी है, और प्रारंभिक जो बिंदु उसकी पोजिशन, उस पे से माइनस कर देना, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, किस तरीके से करना है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आपने मतलब जुए में 1,000 रुपए कमाए, आजकल बोलते हैं ना ड्रीम 11 पर टीम बनाओ एंड ऑल ये वो फलाना ढिकड़ा, ठीक है, ऐसा जुए हुए चलते हैं, सट्टे वट्टे चलते हैं, मान लो सट्टे पे आपने 1,000 रुपए कमाए, ठीक है, 1,000 रुपए कमाए और आपने लालच कर लिया 1,000 रुपए और लगा देता हूँ यार मैं, वो 1,000 रुपए डूब गए जीरो डिस्प्लेसमेंट, जहां थे वहीं रह गए, समझ पा रहे हो मेरी बात, जहां थे वहीं रह गए, ठीक है, 1,000 रुपए थे नहीं लगाते तो इज्जत से 1,000 रुपए में कुछ भी कर सकते थे, पार्टी वार्टी अय्याशी कर सकते थे मेरी तरह, ठीक है, लेकिन आपको तो लालच था और आपने 1,000 रुपए और लगा दिए, तो आप जहां थे वहीं रह गए, जीरो जीरो। अच्छा तो मतलब इसका मतलब ये है कि मैं यहां से चला ए पॉइंट से, ए पॉइंट से चलता 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 और मैं बहुत दूर चला गया, यहां पर इस जगह पर मेरे मन में इतना यार मजा नहीं आया, वापस चलो यार, ठीक है, वापस उसी पॉइंट पर आ गया, समझ में आया। तो मैंने कहा कि मेरा प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, बोले सर ए ही था, मेरा अंतिम बिंदु कौन सा है, बोले सर ए ही है, जहां से आए थे वहीं पहुंच गए, तो मैंने कहा कि ए माइनस ए सर बोले जीरो, प्रारंभिक बिंदु भी उतना ही है और अंतिम बिंदु भी उतना ही है, तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु आपका फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये तो जीरो आ गया सर, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई सर, जीरो आ गई, तो आप इसको क्या कहते हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट, आप इसको क्या कहते हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, बहुत सारी चीजों में होता है भैया, बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे आपका पेंडुलम है, पेंडुलम आपकी घड़ी का पेंडुलम देखा है आपने, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है, तो यहां से चला इतनी दूर, ओ हो,
वापस चला इतनी दूर, ओ हो, वापस आ गया यहाँ पर। झूला देखा, झूला झूला ऊपर जाता है एंड नीचे आता है, फिर पीछे की तरफ ऊपर जाता है, फिर नीचे वापस उसी जगह पर, और रुक जाते हो आप। तो ऊपर गए, नीचे आए, जीरो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार झूला ऊपर गया एंड पीछे की तरफ ऊपर गया एंड वापस रुक गया यहाँ पर, जहां से शुरू हुए तो वहीं रुक गया। तो आपने क्या कहा कि सर जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट तब होता है, शून्य विस्थापन तब होता है जब आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बिल्कुल समान हो जाए। तो जहां से शुरू आपने किया था घूम घाम के, आप वापस वहीं पर आ गए। तो आपने क्या कहा, ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि आपकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो है। अच्छा, तो एनसीईआरटी में भी तो देख ले क्या लिखा हुआ है, व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो जब वस्तु की पहली और अंतिम स्थिति समान होती है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होती है, तो विस्थापन कैसा होता है बच्चा, शून्य होता है। बोलो समझ में आया। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये भैया ने यहां से स्टार्ट किया, ये भैया यहां से होते हुए बी पॉइंट पर पहुंचे 3 मीटर, फिर 5 मीटर सी तक पहुंचे चलकर, और 3 मीटर फिर चले तो डी पर आ गए, और फिर से 5 मीटर चले और ए के ऊपर आ गए। डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, डिस्टेंस कितनी चली भैया ने, तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाए, 3, 5, 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, अच्छा 16 मीटर तो हो गई डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी। और बोले सर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात करें, तो सर विस्थापन तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही है, और अंतिम और प्रारंभिक, तो प्रारंभिक माइनस अंतिम बराबर जीरो हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए इज जीरो बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए जीरो। मतलब मैं जहां पर बैठा हूं उसकी दूरी कितनी है, जहां पर मैं बैठा हूं वहां तक जीरो। समझ में आया, जहां पर मैं बैठा हूं उसकी दूरी नापनी है कहां से, जहां से मैं बैठा हूं, ठीक, कहां तक नापनी, जहां तक मैं बैठा हूं, क्लियर है? तो मेरे बैठे होने से लेकर मेरे बैठे होने तक की दूरी कितनी है, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अच्छा, मैंने कहा स्केलर यूनिट और वेक्टर यूनिट के बारे में तो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं ना भैया आपको, मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? तो सर स्केलर यूनिट के बारे में आप एनसीईआरटी में तो कुछ कुछ कह रही है, सुन लो भाई माता जी क्या कह रही है। आपने कहा कि सर ए स्केलर यूनिट क्वांटिटी डिस्क्राइब ए मैग्निट्यूड और ए न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। अच्छा सर, अदिश राशि एक परिमाण, ये एक संख्यात्मक मूल्य का वर्णन करती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा, वेक्टर के बारे में बात करें तो ए वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। अच्छा, तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा सर, एक सदिश राशि परिणाम परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, परिमाण का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड उसका। अच्छा, तो परिमाण के साथ साथ दिशा का वर्णन भी करती है, हेंस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इसीलिए दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? अच्छा, हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें कि सर मोशन के बारे में बात करते हैं, एक कितने टाइप की मोशन आपको देखने को मिलेगी, तो हम बात कर लेंगे सर जो मोशन है ना, वो मोशन हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, एक तो होती है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो मान लीजिए, सीधी सी बात मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगी। एक समान गति का मतलब है कि समान अंतराल में समान दूरी अगर तय करें, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से लेकर मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में, और यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यहां तक मुझे जाना है। अच्छा, ये मान लीजिए कि कितना है, 100 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, मुझे मेरे गांव पर जाना है, और मैं कार के अंदर या बाइक में या पैदल पैदल हूं, ठीक है, तो मुझे जाना है। मैं इसको 4 स्लोट में बांट देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्लोट में बांट दिया, मतलब 25 25 किलोमीटर का स्लोट है, 25 25 किलोमीटर का स्लोट है, ठीक है, ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर,
इस तरीके से, समझ में आया? 25 किलोमीटर, क्लियर है यहां तक? अच्छा 25 किलोमीटर, मैंने कहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने कहा कि शुरुआत की 25 किलोमीटर मैंने 50 किलोमीटर पर और से तय की, समझ में आया? समझ पा रहे मेरी बात? या क्लियर है? आप कोई भी ये, मैं ऐसा मान लीजिए 100 किलोमीटर छोड़ो अभी, 100 किलोमीटर आप एग्जाम्पल बाद में लेंगे क्योंकि अभी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि शुरुआत की 25 मिनट मैंने 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब 1 घंटे में 50 और इस स्पीड से चला मैं, ठीक है। आगे की जो 25 किलोमीटर की जो राइड है मेरी, उसमें भी मेरी स्पीड कितनी रही? 50 किलोमीटर पर आवर की रही। अगली के अंदर भी मेरी कितनी रही? 50 किलोमीटर। और इसके आगे भी मैंने क्या 50 किलोमीटर ही राइड की, 50 किलोमीटर की स्पीड से ही मैं चल रहा हूँ, 50 की स्पीड से चल रहा हूँ। तो यार मैं कहूं कि ये जो स्लॉट है, ये शुरुआत का जो स्लॉट है, ये शुरुआत का जो स्लॉट है, ये शुरुआत का जो स्लॉट है और ये वाला, तो इन चारों स्लॉट में क्या मेरी गति परिवर्तित हुई क्या? मैं एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है भैया, कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब है कि मेरे जो वेग है, मेरी जो वेलोसिटी है वो बदली नहीं है, ठीक है। मेरा जो स्पीड है वो नहीं बदला है, वो स्पीड 50 50 50 और 50, इसको कहते हो आप यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हो? यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई भी बदलाव नहीं आया मेरी स्पीड के अंदर, ठीक है। कभी मैं रुका नहीं, मैं कभी मैंने एक्सेलरेट नहीं किया, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस मैं 50 की स्पीड से चल रहा था। तो ये 50, ये शुरुआत का टाइम स्लोट, ये वाला स्लोट, ये वाला स्लोट और ये वाला स्लोट, इसमें पर्टिकुलर एक ही स्पीड से मैं चल रहा हूं, एक यूनिफॉर्म मोशन है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप, दूसरे कि शुरुआत में यहां पर, क्लियर है? आपके पास चार स्लोट है, ठीक है, 1 2 3 और 4, चार स्लोट है। तो आप ये कह रहे हो कि सर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में पास कर रहा है, ठीक है। इक्वल मान लीजिए कि ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर और ये भी 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप एक यहां पर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो 1 घंटे में आप 25 किलोमीटर चले, अगले घंटे में भी आप 25 की स्पीड से चले, 25 किलोमीटर तय कर लिया, अगले घंटे में भी आप 25 की स्पीड से चले और अगले घंटे में भी, एक ही तो बात है, बात तो एक ही है। मैंने शुरुआत में भी कहा था आपसे कि आप पर्टिकुलर टाइम, 1 1 घंटे का आपने अंतराल ले लिया, आपने सोच लिया कि अगले घंटे में मुझे 25 चलना है और उसके अगले घंटे में मुझे 25 चलना है और अगले घंटे में 25 और अगले घंटे में मुझे 25 चलना है। तो हर समय अंतराल में, चार समय अंतराल है आपके पास 1 1 घंटे के, और सभी सभी इंटरवल्स के अंदर आप एक सेम स्पीड से चल रहे हो और समान दूरी तय कर रहे हो। भाई सेम स्पीड से चलोगे तो समान दूरी तय करोगे ना, सेम डिस्टेंस आप तय करोगे ना। तो ये 25 किलोमीटर चले, फिर 25, फिर 25, फिर 25, तो आप 100 किलोमीटर चल गए 4 घंटे में। तो आपकी जो स्पीड रही वो कितनी रही? 25 किलोमीटर पर आवर रही, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। और कहीं अगर ऐसा होता कि शुरुआत का 1 घंटा आप क्या करें, 25 किलोमीटर से चले, ठीक है, और अगला घंटा आप 12 किलोमीटर पर आवर से चले, फिर आप 25 किलोमीटर से चले और फिर 12 किलोमीटर पर आवर से चले, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप कांस्टेंट नहीं हो। अब आप कांस्टेंट नहीं हो, तो कांस्टेंट नहीं हो तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो, आप एक समान गति में नहीं चल रहे, आप असमान गति में चल रहे हो, क्लियर है बेटा? इनके सवाल जब आएंगे, इनके सवाल जब मैं हल करवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से, किस किस तरीके से, कैसे कैसे सवाल आपको हल करने हैं। आपको इससे मतलब नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। जब मैं सवाल हल करवाऊंगा ना आपको, जब न्यूमेरिकल्स हल करवाऊंगा, तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये यूनिफॉर्म मोशन थी क्या, अच्छा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी क्या। तो क्वेश्चन आपको आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर करने पड़ेंगे। तो मैं आपके एवरेज स्पीड बताऊंगा, एवरेज वेलोसिटी बताऊंगा, एवरेज स्पीड आपको यूनिफॉर्म मोशन में और एवरेज स्पीड आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। किस किस तरीके से आप निकालते हो उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो आपने कहा कि चार स्लोट ले लिया आपने 4 घंटे के, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे और 1 घंटे, ठीक है। शुरुआत के 1 घंटे में मैं 25 किलोमीटर चला, कोई भी स्पीड रही मुझे नहीं पता, मेरी कोई भी स्पीड है मुझे नहीं पता। अगले टाइम स्लोट, अगला 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, ये भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा, ठीक है।
एक वन एंड वन आवर का जो आपका टाइम स्लॉट है, चार स्लॉट है आपके पास। शुरुआत के टाइम स्लॉट में आप 25 किलोमीटर चले, दूसरे में आप 50 किलोमीटर चले, तीसरे में आप 60 चले, और सातवें में आप मान लीजिए कि वापस 50 चले, ठीक है? तो ये कौन सी मोशन है, ये कौन सी मोशन है? अलग अलग। इसमें आप 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, इसमें 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, इसमें 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, इसमें 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले तो 50 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहे हो ना आप। तो ये अपने आप में कौन सी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कि हर टाइम इंटरवल में, हर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जा रही है। अलग अलग दूरी तय कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड की बात करें, देखो स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों के बारे में पहले मैं मेरे तरीके से आपको समझा देता हूं, एंड देन फिर आप एनसीईआरटी के तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी समझ में आया जितना मैंने समझाया था? अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बहुत सारे बच्चे ना परेशान, हैरान, सर स्पीड क्या होता है, सर वेलोसिटी क्या, सर दोनों सेम है क्या, सर दोनों अलग अलग है, सर अलग 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 तो क्यों है, सर सेम नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा चलो, खोपचे पे चलते हैं, खाली स्लाइड पर चलते हैं। देखो बच्चा, मैंने कहा आपसे कि ये कोई भी सड़क है, और इस सड़क पर ये मैं रहता हूं, यहां पे ये मेरा घर है, बचपन में बनाया करते थे ना झोपड़ी ऐसा, है ना ऐसा। अच्छा, और ये मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, ये फ्रेंड अपने साइकिल जैसा कुछ नहीं लग रहा है, ये साइकिल पे अपना जा रहा है, मेरे घर पे आ रहा था। मैंने इसको फोन करा, भाई आ रहा है क्या? बोले भाई आ रहा हूं, रुक जा, अभी जो गाड़ी है ना मेरे पापा ले गए। मेरे मामा बोला यार साइकिल से, अगर तेरे पास तो साइकिल भी है, ठीक है। अभी इसको बोला यार तू ऐसा करना कि तू साइकिल से आ रहा है ना, तू ऐसा कर तो आइसक्रीम लेना, दोनों बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। तो ये एक आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, ये आइसक्रीम पार्लर है। तो ये मेरे घर से, ये खुद, इस ये खुद का घर है, इसके खुद के घर से मेरा घर कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है, ठीक है बच्चा? मैंने क्या कहा? 2 किलोमीटर है। अभी ये बंदा मेरे घर पे नहीं रुकता है, और मेरे घर से सीधा चला जाता है आइसक्रीम पार्लर, ठीक है बेटा, जो कि इसके मेरे घर से कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 8 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें सारी बात, ठीक है? तो अब ये यहां से आइसक्रीम लेता है, एंड आइसक्रीम लेकर वापस कहां पर आता है? मेरे घर पर आता है, क्लियर है? मेरे घर पर आता है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि इस भाई ने, इसका नाम में मान लीजिए कि मेरा दोस्त है छोटू, छोटू, और मेरा नाम है मान लीजिए, मेरी हरकतों से अभी मैं हो रखा हूँ मोटू, क्लियर है? लॉकडाउन है, खूब खा के दबा के मैं हो चुका हूँ मोटू, तो मेरा नाम है मोटू। अच्छा, तो ये मोटू के घर, ये छोटू, टोटल इसके घर से, छोटू के घर से अभी तक ये चला, तो चला तो टोटल, एक तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, और एक मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मुझे पता है आप नहीं बताओगे, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि जैसे आप ही जवाब दे रहे हो अपने आप से बात करके। तो जवाब आपने दिया कि सर डिस्टेंस आपने कहा था कि टोटल जितना भी पाथ होता है ना सर, टोटल जितना भी पाथ होगा उसकी टोटल लेंथ जो होगी ना वो आपकी क्या होगी? ठीक है, तो हमने क्या क्या कहा कि सर टोटल लेंथ, अच्छा सर कितनी हो गई लेंथ? तो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो बाबू चला 2 किलोमीटर, मेरे घर नहीं रुका, फिर चला 8 किलोमीटर। तो हमने कहा कि सर डिस्टेंस पहले 2 फिर 8, अच्छा फिर 8 चला, और 8 चलने के बाद वापस से 8 चला, तो प्लस 8 प्लस
आठ आठ 16 और 16 और 2 18 किलोमीटर चल गया। अच्छा तो शुरुआत में ये जब यहां से घर से चला था रुका नहीं था तो जब ये पार्लर पहुंचा तो इसको 1 घंटा लगा था, क्लियर है बेटा। और इस पार्लर से फिर मेरे घर पर आया तो वापस से इसको 1 घंटा लगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो मैं वापस बोल रहा हूं कि जब ये खुद के घर से चला और पार्लर पहुंचा, क्योंकि मेरे घर तो रुका नहीं था, डायरेक्ट कहां पहुंचा, पार्लर। और पार्लर जैसे पहुंचा, पार्लर पहुंचने के बाद इसको कितना समय लगा, 1 घंटा। और वापस पार्लर से जब आता है तो मेरे घर पहुंचने में कितना लगा, 1 घंटा। अच्छा मतलब सर ये हो ना हो कहीं ना कहीं जब ये वापस आ रहा था तो सर ये धीरे चला, कैसे कह दिया सर आपने, क्योंकि बेटा शुरुआत में कितना चला, 2 से लेकर और दो, पहले तो 2 किलोमीटर, 8 और 10, 10 किलोमीटर 1 घंटे में चला था शुरुआत में तो। और फिर पलट कर वापस आया तो खुद के घर थोड़ी ना गया, मेरे घर ही तो रुका, और मेरे घर कितने दूर था, 8 किलोमीटर। तो शुरुआत में ये 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा था और अब की बार ये 8 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है ना। तो जाते टाइम भी इसकी स्पीड कम नहीं, ठीक है, जाते टाइम इसकी स्पीड होना हो कम थी शुरुआत के तौर पे, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो सर क्या इसका प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट इसका घर माने, मान लेते हैं। क्या अंतिम बिंदु इस पार्लर को माने, कतई ही नहीं सर। सर अंतिम बिंदु ये थोड़ी ना, यहां पे तो ये रुका ही नहीं, रुक कर वापस आ गया आपके घर पे, तो आपका घर और इसका घर दोनों प्राइमरी या हम कहें कि सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहलाएंगे, कहलाएंगे बोलो, बोले बिल्कुल सर कहलाएंगे। तो सर जो आपका इनिशियल पॉइंट है और प्राइम आपका जो फाइनल पॉइंट है, इसके बीच की दूरी तो 2 किलोमीटर है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट मैं 2 किलोमीटर मान लूं। अच्छा मान लेते हैं। अच्छा ये तो हुई अपनी डिस्प्लेसमेंट और किसकी बात, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड क्या हुई बेटा, स्पीड क्या होती है कि कितनी स्पीड से चला, कितना फास्ट था ये, कितना फास्ट था। तो कितना फास्ट था ये निकालने के लिए आपको निकालना होगा आपके पास में इसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, टोटल डिस्टेंस कितनी चली। तो आपने कहा पहले 2 एंड देन फिर 8 फिर अगेन 8, तो इनको जोड़ो और टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटे। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर, 18 किलोमीटर हो गई। अच्छा सर टोटल टाइम कितना हो गया, सर टोटल टाइम हो गया आपका 2 आवर्स। अच्छा तो इसका मतलब मैं ये जो आपका दोस्त है छोटू सर, वो टोटल 9 आवर पर किलोमीटर, सॉरी 9 किलोमीटर पर आवर, आई एम रियली सॉरी, 9 किलोमीटर पर आवर ये चला, क्लियर है। मतलब आप अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो इसकी, तो स्पीड कितनी निकल कर आई, स्पीड कितनी निकल कर आई, ये एवरेज स्पीड ही तो निकालोगे आप भाई। हमको नहीं पता ना ये कितने किलोमीटर कौन से टाइम पर कितना, क्योंकि अगर सोचो सोचो अगर शुरुआत वाला जो टाइम था आपका 1 घंटे में, तो ये 10 किलोमीटर चला था, अगले 1 घंटे में तो ये 8 ही किलोमीटर चला है, तो हो ना हो इसकी स्पीड में चेंज तो आया होगा। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या, नहीं सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा मतलब अभी आप जो कह रहे थे वो समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप पर्टिकुलर स्पीड नहीं निकाल सकते, तो एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। आप यहां से गांव जाते हो आपके घर से कार लेकर, रास्ते में कहीं आपकी फैमिली चाय वाय पीने के लिए भी रुकती है, और या तो आप कहीं पर 70 चले, कहीं पर ट्रैफिक आ गया, कहीं 40 चले, कहीं आपको रुकना भी पड़ा, और कहीं तो आप बोलोगे, आपसे अगर पूछे कि आप कितनी स्पीड में आए थे, तो आप बोलोगे भाई साहब मैं कैसे बताऊं कितनी स्पीड में आया था, क्योंकि मेरी स्पीड तो बार बार बदल रही थी, कभी तो मैं 100 पर गाड़ी चला रहा था खुले हाईवे पे, कभी मैं 10 पे चला रहा था, कभी वापस 100 पे चला रहा था। तो बोले चलिए यार तो एवरेज स्पीड बता दे यार। अच्छा फिर एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, आप एवरेज स्पीड निकालोगे कि आपके घर से आप कितना दूर चले टोटल दूर। अब बोले सर मैं 100 किलोमीटर चला, अच्छा कितना टाइम लगा मेरे को सर, 3 घंटे लगा, तो 100 बाई 3, 100 बाई 3, 3 सर मैं ऑलमोस्ट सर 33-35 की स्पीड में चला, ऐसे निकालते हो ना। तो ओवरऑल हमने क्या कहा, टोटल कितना दूर चला सर, 18 किलोमीटर, टोटल कितना टाइम लगा सर, 2 घंटे लगे, कितना एवरेज स्पीड निकल कर आई, तो स्पीड आपका हो गए 9 आवर पर किलोमीटर, मतलब सर 9 किलोमीटर पर आवर, एंड रियली सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में ऑन एवरेज ये 9 किलोमीटर चला होगा, तभी तो जाके 2 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगा। अच्छा ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम है यहां तक।
ठीक है, ये हो गई स्पीड। अच्छा सर, वेलोसिटी का क्या जुगाड़ है, वेलोसिटी को बताओ। तो वेलोसिटी और बताकर अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं, धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे क्लास, बेसिक बेसिक चीजें, एंड देन फिर धमाका करेंगे आगे आराम से, फिर मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी की, आपकी बार जो आपने डिस्टेंस देखी ना, स्पीड रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो आप, मैं आपसे कहूं कि टोटल टाइम कितना था, 2 घंटे, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना दूर चला, वो तो है स्पीड। अरे भैया, 2 घंटे में कितना दूर चला था, ठीक है, समझ में आया, उससे तो आप निकालते हो स्पीड। वेलोसिटी किससे निकालोगे, तो याद रखना स्पीड रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, और आपकी जो वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो स्पीड, स्पीड किससे निकालते हो, आप निकालते हो दूरी से, मतलब चाल किससे निकालते हो, दूरी से, और वेग, वेलोसिटी किससे निकालते हो, विस्थापन से। तो हो ना हो सर, आप ये कहना चाह रहे होंगे, एक बार मैं स्लाइड साफ कर देता हूं, तो हो ना हो आप ये कहना चाह रहे होंगे कि सर जो सॉरी जो वेग, वेग है मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना लगा। जैसे स्पीड के लिए आपने कहा था, स्पीड में टोटल, टोटल डिस्टेंस वाई टोटल टाइम, ठीक है, समझ में आया। तो वेलोसिटी के लिए क्या कहोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, 2 लिख दिया सर, टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगे। अच्छा, 2 से 2 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी इसका रहेगा, मतलब ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ होगा, ऐसा मानेंगे हम, समझ में आया। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1 घंटा लगा इसको, तो 2 किलोमीटर में 2 घंटे लग गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, ठीक है, और यही इसकी वेलोसिटी होगी। और अब आपको इसमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह वेक्टर होती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी किस तरफ थी, आप कहोगे ईस्ट तरफ थी, दिलीप के घर की तरफ थी, ठीक है, मतलब ईस्ट साइड में थी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बोलो, समझ में आया। तो ये आपका अंतर होता है मेन, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर। तो स्पीड के लिए आप क्या कहोगे, एक बार वापस बता देता हूं, और वेलोसिटी के लिए, वेग के लिए आप क्या कहोगे, वेग, और स्पीड को आप कहते हो चाल। तो चाल, चाल किससे रिलेटेड है सर, टोटल जितनी भी दूरी रही हमने तय की, और टोटल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, और वेलोसिटी सर विस्थापन कितना हुआ, टोटल विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और बटा टोटल विस्थापन में कितना टाइम लगा, उस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, क्लियर है, ये होता है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपने आप में सर एक वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है, जिसको दिखाने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और स्पीड अपने आप में एक अदिश राशि होती है, इसको दिखाने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, मतलब ये स्केलर है, स्केलर यूनिट है। बोलो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो बस इतनी सी बात है, ये चीज आपको थोड़ी सी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे एक बार वापस देख लेना ये वीडियो, और बाकी जो चीजें समझ में नहीं आ रही आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन को दबा दो, और दिवाली वाली अच्छे से मनाओ, फाइन वाइन लग रहा, पटाखे वटाखे बिल्कुल मत चलाना। दिलीप 10 कोड लगाओगे, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है सारी की सारी, सुरेश ठोलिया सर है, सुरेश राजपुरोहित सर है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है राज आरपीएससी के अंदर, तो वहां से आप क्लासेस ले सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।